नमस्कार दोस्तों, आज से 800 साल पहले यूरोप से कुछ लोग निकलते हैं समुंदर के रास्ते में भारत को ढूंढने के लिए। मगर कोई पहुंच जाता है अमेरिका, कोई पहुंच जाता है अफ्रीका और कोई पहुंच जाता है ऑस्ट्रेलिया। किसी को भी भारत नहीं मिलता है, पर भास्कोडा गामा नाम का एक आदमी भारत को खोज लेता है। लेकिन लोग यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि खोजने का क्या मतलब है? क्या भारत पहले से नहीं था? क्या यहाँ लोग पहले से नहीं रहते थे? अगर थे तो ये खोजने का दावा क्यों करता है? अक्सर लोगों के द्वारा इस तरह के सवाल उठाया जाता है। आखिर कितनी सच्चाई है इन सवालों पर? ये सच है या झूठ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्या 1498 से पहले भारत नहीं था? तो भास्कोडा गामा को भारत का खोजकर्ता क्यों कहा जाता है? जो होमो सेपियंस थे, जिसे आज का ह्यूमन बीइंग माना जाता है, वो अफ्रीका से तकरीबन 70,000 साल पहले भारत पहुंच चुके थे। भारत का सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पर हजार सालों से लोग रहते आ रहे हैं। ये बात यूरोप को भी पता था कि एशिया में भारत नाम का एक समृद्ध से भरा देश है। तभी तो भास्कोडा गामा भारत को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। कौन है ये भास्कोडा गामा? भास्कोडा गामा का जन्म 1469 में पुर्तगाल के साइनेस नाम का एक गांव में हुआ था। वो एक मशहूर जहाजी कप्तान होने के साथ साथ वो एक खोजकर्ता भी थे। एक दिन पुर्तगाल के राजा जन मैनुअल भास्कोडा गामा को अपने दरबार पर बुलाते हैं और उन्हें समुन्दर के रास्ते भारत को ढूंढने के लिए आदेश देते हैं। भास्कोडा गामा भारत क्यों आया था? भास्कोडा गामा भारत आने के पीछे बहुत से कारणों में से तीन महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण, भारत का मसाला, कपड़ा, नगीने पूरी दुनिया में मशहूर था, इसीलिए पुर्तगाल भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। दूसरी कारण, उस समय पूरी दुनिया के स्थल मार्ग पर अरबियों का कब्जा था। वो यूरोप के लोगों को एशिया आने नहीं देते थे, इसीलिए भारत की मदद से अरबियों पर आक्रमण करना चाहते थे। और तीसरी कारण, पूरी एशिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाना था। यहाँ पर कुछ लोगों का मीत है कि भास्कोडा गामा भारत का खोज किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया को पता था एशिया में भारत नाम का एक देश है जहाँ पर बड़े तौर पर व्यापार होता है। भास्कोडा गामा भारत की खोज नहीं की, बल्कि यूरोप से भारत जाने वाली समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला था। जल मार्ग क्यों, स्थल मार्ग तो भी था। पहले जब व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से ही होता था, लेकिन 632 में जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला था, तब जमीनी मार्ग पर अरबियों का कब्जा हो गया था। यूरोप के लोगों को भारत आने के लिए भारी से भारी टैक्स देना पड़ता था और उन लोगों को आने भी नहीं देते थे। उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे उनके व्यापार में कोई बाहरी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा हो। इसीलिए यूरोप के लोग भारत के साथ पुनः व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत जाने के लिए एक समुद्री मार्ग ढूंढने लगते हैं। लेकिन समुद्र के रास्ते में भारत पहुंचना इतना आसान नहीं है। हजार मील दूरी तय करना पड़ेगा। कोई पहुंच जा रहा है अमेरिका, उसे लगता है कि यही भारत है। कोई पहुंच जा रहा है अफ्रीका, इसे मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। कोई पहुंच जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, उसे लगता है कि यही भारत है, लेकिन यहाँ के लोग तो गोरे हैं। फिर पुर्तगाल के एक नाविक जिसका नाम भास्कोडा गामा है, वो चार जंगली जहाज और 170 लोगों के साथ भारत को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पहले तो वो साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड्स तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ से मोजाम्बिक से बोम्बासा से मालिंदी में बहुत सी नाविक मलेरिया की वजह से मर जाते हैं और मालिंदी से सीधे दक्षिण भारत के कालीकट तक पहुंच जाते हैं। भास्कोडा गामा भारत के साथ संबंध। भास्कोडा गामा जब कालीकट पहुंचते हैं, तब समुद्री राजा जम्बूरिन
उनके स्वागत करने के लिए खुद आए होते हैं। उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं होता है। वास्को डा गामा जहां भी जाते थे तोहफा लेकर जाते थे। वास्को डा गामा पुर्तगाल के राजा की तरफ से राजा जंबुरीन को तोहफा देते हैं, लेकिन राजा को कुछ खास पसंद नहीं आता है। राजा को शौक होता है कि एक राजा दूसरे राजा को इस तरह के तोहफा देता है क्या। राजा को लगता है कि ये व्यापार के बहाने भारत को लूटने आए हैं, ये हमारे मसालों पर कब्जा कर लेंगे और भारत पर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देंगे, और ये लोग भारत के लोगों को जोर जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि पुर्तगाल के लोगों को दिखा सके कि हमने भारत को ढूंढ लिया है। तभी राजा जंबुरीन इन सबको बंदी बना लेते हैं और भारत छोड़कर जाने के लिए कहते हैं, और वास्को डा गामा को निराश होकर खाली हाथ अपना देश लौटना पड़ता है। एक साल बाद वास्को डा गामा 13 जंगली जहाज और 1500 लोगों के साथ भारत आते हैं। इस बार भारत पर व्यापार करने नहीं बल्कि भारत पर आक्रमण करता है। भारत और पुर्तगाल के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाता है, लेकिन इस लड़ाई में पुर्तगाल जीत जाता है और राजा जंबुरीन को वास्को डा गामा के आगे झुकना पड़ता है। ये लोग सबसे पहले कालीकट को अपनी अधीन में ले लेते हैं और धीरे धीरे भारत में कॉलोनी स्थापित करने लगते हैं और पूरे भारत पर शासन करने लगते हैं। इस बार वास्को डा गामा मसाला, कपड़ा, सोना चांदी, जवाहरात जहाज में भर भर कर अपने देश लेकर लौटता है। इस खुशी में पुर्तगाल के राजा जन मैनुअल वास्को डा गामा को भारत का वायसराय बना देता है। गामा कैटरीना नाम का एक खूबसूरत महिला से शादी कर लेते हैं और उनके 4 बेटे होते हैं और अपने जीवन को मजे में जीने लगते हैं। 1524 में वास्को डा गामा तीसरी बार भारत आते हैं, लेकिन इस बार समुन्दर के रास्ते में मलेरिया की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और जब तक भारत पहुंचते तब तक उनका मृत्यु हो गया होता है। वास्को डा गामा के शरीर को सबसे पहले कालीकट के सेंट फ्रांसिस चर्च में दफनाया जाता है और फिर 15 साल बाद यानी कि 1539 में उनके अवशेष को सम्मान के साथ पुर्तगाल ले जाते हैं और वहां पर सोने की ताबूत पर दफना दिया जाता है, और ये आज भी हमें देखने को मिलता है। ये थे वास्को डा गामा के बारे में कुछ खास बातें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।